Guru Nanak, he went to Sri Lanka, Arabistan and Iran. Ab Guru Nanak jo hai Sri Lanka gaye, Arabistan gaye aur Iran gaye. He believed man is the first human being and then a person of particular caste. Ab Guru Nanak ka ye manna tha ki insaan pehle ek insaan hai, ek human being hai aur uske baad jo hai wo kisi particular caste ko belong karta hai. There is only one God and everyone is equal for him. एक ही भगवान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं. ही इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट. वो ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वभूत हैं. ही इज़ द गुरु एंड द रियल साहिब. यही असली गुरु थे और रियल साहिब थे. गुरु नानक बिलीव दैट विद द हेल्प ऑफ सदगुरु वन कैन अटेन रियल नॉलेज एंड कैन नो हिम. And one has to seek the shelter of God in order to remove ignorance. Guru Nanak ka ye manna tha ki Sadguru ki madad se koi insaan jo hai wo asli jo ek knowledge hai use pa sakta hai, unko jaan sakta hai, saath hi saath Bhagwan ki sharan pa sakta hai, jisse uski jo ek ignorance hai wo jo hai khatm ho jayegi. Satnam is accepted as a symbol of God and one must continuously chant God name. Satnam jo hai वो भगवान का एक सिंबल के तौर पे एक्सेप्ट किया गया और कोई जो है लगातार उसके नाम को, भगवान के नाम को जप सकता है. ही ऑल्सो बिलीव दैट मोर देन मेयरली चैंटिंग हिज नेम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट कंसिडर एवरी वन इक्वल एंड ओनली देन डज इट बिकम सेक्चुअल रिलीजन. उनका ये भी मानना था कि खाली उनका नाम ही नहीं जपना है बल्कि जो भी लोग हैं, कोई भी हो, उसे जो है बराबर का समझना चाहिए, तभी जो है ये एक पवित्र धर्म बनेगा. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स बिकेम हिज फॉलोअर्स. अलग अलग धर्म के लोग जो हैं इनके फॉलोअर्स बन गए. दे आर नोन एज सिक्स. हिज टीचिंग्स आर कलेक्टेड इन अ बुक टाइटल्ड गुरु ग्रंथ साहिब. और इनको जो है सिख के नाम से जाना जाता है लोगों को. और ज़्यादातर इनकी जो प्रीचिंग्स थी वो एक बुक है जिसका टाइटल है गुरु ग्रंथ साहिब. उसके अंदर इनकी सारी प्रीचिंग्स लिखी गई हैं या कलेक्ट की गई हैं. स्वामी रामानंद इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th century. स्वामी रामानंद प्रूव टू हैव मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नोटवर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द भक्ति मूवमेंट. सेकेंड हाफ जो 14th century का था उसमें स्वामी रामानंद ने जो उनका योगदान है वो भक्ति मूवमेंट में बहुत ज़्यादा है. He preaches ideals and beliefs in regional languages, which helped spread Vaishnav Bhakti. अब इनकी जो भी विचारधारा थी, जो भी ये इनकी विश्वास था, मान्यताएं थी, इन्होंने सबको जो है उसका प्रचार किया जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें, जिसकी वजह से वैष्णव भक्ति काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो पाई. He propagated the main ideas of the scholars, adding his own inputs if necessary, and spread the Bhakti revolution in North India. इन्होंने जो जो मेन आइडियाज़ थे विद्वानों के, विचार थे विद्वानों के, अपने खुद के जो उनके थे उनको ज़्यादा फैलाया अगर ज़रूरी लगा उन्हें, और भक्ति रिवॉल्यूशन जो है इन्होंने नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया. कबीर एंड रैदास वर हिज फॉलोअर्स. तो कबीर और रैदास जो थे वो इन्हीं के फॉलोअर्स थे. नरसिंह मेहता द मोस्ट रिनोन्ड गुजराती पोएट इज नरसिंह मेहता हु वॉज बॉर्न इन नागर फैमिली. अब सबसे ज़्यादा जाने माने गुजराती जो पोएट थे वो थे नरसिंह मेहता, जिनका जन्म नागर फैमिली में हुआ था. ही स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ सेंट्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज. बचपन से ही ये जो हैं, अब ज़्यादातर इनका समय जो है साधु संतों के साथ बीतता था. इवन दो ही गॉट मैरिड ही हैड नो अटैचमेंट्स विद हिज फैमिली. कहने को इनकी शादी हो गई थी पर इनका अपने परिवार के साथ कोई ज़्यादा लगाव नहीं था. ही हैज ऑलवेज एनग्रॉस्ड इन कृष्णा भक्ति. हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे. He was deeply affected when he saw people discriminating others on the basis of caste, color, creed, etc. इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से आहत हुआ जब इन्होंने देखा कि लोग जो हैं आपस में कास्ट, कलर, क्रीड की वजह से एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं. He believed पकल पक्षी त्यान नहीं परमेश्वर सम दृष्टि न सर्व समान. That is where there is equality, there is God. उनका ये मानना था कि जहाँ बराबरी है वही भगवान है. यूजिंग हिज ओन एग्जाम्पल ही प्रूव दैट ए पर्सन हैविंग फेथ एंड डिवोशन टूवर्ड्स गॉड कैन ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ. उन्होंने अपने खुद के एग्जाम्पल को बताते हुए कहा कि अगर इंसान में विश्वास हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, तो जिंदगी में जो भी परेशानी है वो उससे पार पा सकता है. हिज नॉलेज
devotional songs and Prabhatiya deeply affected the Gujarati community. इनकी जो भी नॉलेज थी, जो भी इनके भक्ति गाने थे, साथ ही साथ जो प्रभातिया था, उसकी वजह से गुजराती कम्युनिटी पे इनका खासा असर था. You must have heard of his devotional song, वैष्णव जन तो तेने के रह कहिए, जय पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकारे करे तोई मन अभिमान न आने रे. ये जो है इनके गाया हुआ या इनके द्वारा लिखा हुआ डिवोशनल सॉन्ग था. कबीर. There is no accurate information about Kabir and his family. बहुत पुख्ता जानकारी कबीर या उनके परिवार के बारे में नहीं. However, through word of mouth, this is all the information obtained about him. जैसे होता है ना कि लोग जो हैं एक दूसरे से बताते हैं वो ये थे ऐसे करके जो जानकारी मिली है वो क्या है. He had a pleasing personality. उनकी personality जो थी वो काफी charming सी थी. He was married and worked as a weaver. शादीशुदा थे और बुनकर के तौर पे काम करते थे. He was not educated himself but understood everything about religion and sex from the discussions with saints and hermits. कहने को वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे पर हाँ उनको धर्म से संबंधित सब नॉलेज थी, सब चीजें समझते थे क्योंकि वो साधु संतों के साथ जो है काफी ज्यादा डिस्कशंस करते थे. He started propagating this fact through verses and sakhi which had a very deep impact on people. और इन्होंने जो है प्रचार प्रसार जो है इससे शुरू किया कि जो वर्सेस के थ्रू जो होते हैं अपने दोहे उनके थ्रू साखी के थ्रू जिससे लोगों पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा. ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड एंड लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंगली. वो जो प्रीच करते थे लोगों को बताते थे उसको वो खुद भी प्रैक्टिस करते थे और अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते थे. अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग हु इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक साहेब अल्लाह खुदा राम रहीम गोविंद ब्रह्मा एटसेट्रा. उनके अनुसार सिर्फ एक ही सुप्रीम बीइंग था जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता था. चाहे साहेब बुलाओ अल्लाह बुलाओ खुदा बुलाओ राम रहीम गोविंद ब्रह्मा कुछ भी बुला लो उन्हें. देयरफॉर कबीर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट इंस्पायरर मोटिवेटर और प्रोपोगेटर ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ द मिडिवल पीरियड बट ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन. तो कबीर कहने को जो है सबसे महान एक ऐसे थे जिनको लोग जो है देख के इंस्पायर होते थे, लोग प्रोत्साहित होते थे, साथ ही साथ वो एक ऐसे प्रचारक थे भक्ति मूवमेंट के मिडिवल पीरियड के अंडर, बल्कि वो जो है एक फाउंडर भी कहे जा सकते हैं जो सांस्कृतिक एक जुड़ाव है उसके. दैट वॉज वाई ही कुड स्टार्ट अ न्यू एज. इसी वजह से वो शायद एक नया दौर जो है उसे शुरू कर पाए. रायदास वॉज बोर्न इन काशी. अब रायदास जो थे इनका जन्म काशी में हुआ था. His father's name was Raghu and mother's name was Durviniya. Father का नाम जो है रघु था, mother का नाम जो है दुर्विनिया था. He was benevolent and kind from his childhood days. बचपन से ही ये काफी उदार दयालु किस्म के थे. He would always help others selflessly and that became his regular practice. हमेशा ये दूसरों की बिना किसी अपने सेल्फिशनेस से मदद करते थे, निःस्वार्थ नहीं होता था और यही इनका एक तरह से रोजमर्रा का काम हो गया था. He treated everyone equally, सबको बराबर ट्रीट करते थे. He considered fighting in the name of religion futile and meaningless. इनके अनुसार धर्म के नाम पर लड़ना बेकार था, उसका कोई मायना नहीं था. मीराबाई was impressed by रायदास devotion and thus become his follower. अब मीराबाई जो है वो रायदास की भक्ति से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उनकी फॉलोअर बन गई थी. संत कबीर एंड रायदास वर द डिसाइपल्स ऑफ द सेम प्रीचर. संत कबीर और रायदास दोनों ही एक ही प्रीचर के डिसाइपल्स थे. मन चंगा तो कटौती माँ गंगा, जाति जाति माँ जाति है जे केतन के पात, रायदास मानुष ना झूठ सके जब तक जाति ना जा. हिज डिवोशनल दोहास और वर्सेस आर फेमस इवन टूडे. जो भी उनके दोहे थे वर्सेस थे वो आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं. बढ़ामा हरी चाहे आने बढ़ा हरी नाम मचाए, पीपल रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट. लोग जो है इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे. द रैदास सेक्ट स्टार्टेड ड्यू टू हिज नेम रैदासी. देयर आर मेनी फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट इन गुजरात. कि तो रैदास सेक्ट जो है इसकी शुरुआत इन्हीं के नाम पर हुई थी और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो इस सेक्ट को मानते हैं गुजरात के अंदर. तुकाराम. भक्त पुंडरी के एस्टैब्लिश्ड द डिवोशन ऑफ विट्ठलनाथ इन महाराष्ट्र इन द 11th सेंचुरी. भक्त पुंडरी के जो थे इन्होंने विट्ठलनाथ की भक्ति की शुरुआत करी, विठोबा जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर 11th सेंचुरी में.
After that, from 13th to 16th century, the above-mentioned devotees propagated the Bhakti movement in Maharashtra. उसके बाद 13 से लेकर 16 सदी तक जो ऊपर इनके नाम दिए गए हैं, इन लोगों ने भक्ति मूवमेंट का महाराष्ट्र में प्रचार किया. There were many saints and poets in Maharashtra between the 13th and the 17th century who wrote many songs that inspire people even today. उस समय 13 से लेकर 17 सेंचुरी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे संत और कवि हुए जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और उससे लोग आज भी इंस्पायर होते हैं. The most famous among them was Tukaram, who was appreciated by people for his devotion. इसमें सबसे फेमस तुकाराम थे जिनको लोग जो है उनकी भक्ति के लिए आज भी याद करते हैं. All these saints opposed rites and rituals, superficial piousness and caste distinction. सभी जितने भी अब तक के saints थे, इन्होंने जो भी पारंपरिक वो चले आ रहे हैं, rituals हैं, उन सबको अपोज किया, अंधविश्वास को अपोज किया, साथ ही साथ कास्ट जो भेदभाव है उसको भी उसका विरोध किया. They also believe that a person can worship God without renouncing the world. उनका ये मानना था कि इंसान जो है वो भगवान की भक्ति कर सकता है बिना सब संसार को या मोह माया को त्यागे हुए. One must help the needy and serve them as real devotion is to solve the problems of the needy. हमें जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि असली भक्ति वही है कि तुम अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद की प्रॉब्लम को सॉल्व करो. ही गेव ह्यूमैनिज्म अ होल न्यू मीनिंग. इन्होंने इंसानियत को एक बिल्कुल ही नया मीनिंग जो है वो दिया था. तो ये था आपका चैप्टर. अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.